विचारधारा तो पहले से तो इंडिविजुअल विचारधारा तो होती है, लेकिन जब कोई एक सेलिब्रिटी होता है, कोई एक नामचीन होता है, वो जो को क्या कहते हैं तो उसका उसका जो चेहरा है वो अट्रैक्ट कर लेता है लोगों को, है ना। तो मुझे लगता है कि इस वजह से वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल कि क्या विचार हम सामने रखते हैं। इसके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल ये होना चाहिए ऐसे मुझे लगता है। देखिए, मैंने फिल्म तो देखी नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी आप जो पूछ रहे हैं इसका जवाब मैंने पहले ही दिया कि सेलिब्रिटी जब मतलब कोई भी इंसान जब सेलिब्रिटी होता है तो उस पर उसके कंधे पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, गैर जिम्मेदार वक्तव्य करना ये सही नहीं है, क्योंकि उसे और स्पेशली क्या होता है कि आजकल सोशल मीडिया इतना ज़्यादा प्रेवलेंट हो गया है तो वो अच्छा भी है और इतना अच्छा भी नहीं है, उसे नुकसान भी बहुत होता है, क्योंकि कोई भी आदमी कुछ भी बोल सकता है। आई थिंक एज यूथ हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने विचार व्यक्त करें, बट एज अ यूथ एंड एज क्योंकि हम इस देश को आगे ले जाने वाले हैं तो एक पॉजिटिव तरीके से सबको इकट्ठा लेकर आगे चलें, ये प्रवृत्ति हमारी यूथ की होनी चाहिए। एंड नॉट टू यूज़ सोशल मीडिया फॉर सेल्फ इंटरेस्ट बट यूज़ इट फॉर पॉजिटिविटी, किस तरह से सबको स्पेशली जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि अपनी जो पर्सनल विचार हैं वो एक तरफ रखें और जो सोसाइटी के लिए जो पॉजिटिव चीज़ हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दें।